देखिए तुम्हारी पत्नी का ब्लड ज्यादा बहने की वजह से हमें तुरंत ऑपरेशन का निर्णय लेना पड़ेगा। हो सकता है हम जच्चा या बच्चा में से किसी एक को बचा पाए। डॉक्टर साहब, मेरी पत्नी सविता को बचा ली। डॉक्टर साहब देखिए, हम पूरी कोशिश करेंगे, आगे ऊपर वाला मालिक है। डॉक्टर साहब, मुझे आप पे पूरा भरोसा है। ठीक है, हम ऑपरेशन की तैयारी करते हैं, आप कागजी कार्रवाई कीजिए। सुनिए, आपको अंदर बुलाया है। सब ठीक तो है? हमने 10 साल के अपने कैरियर में ऐसा केस पहले कभी नहीं देखा। लगता है भगवान ने आपकी सुन ली। पहली खुशी की बात तो ये है कि आपकी पत्नी ने एक नहीं, दो जुड़वा बच्चों को जन्म दिया है। और दूसरी खुशी की बात ये है कि आपकी पत्नी अब खतरे से बाहर है। क्या मैं उनसे मिल सकता हूँ? हाँ, क्यों नहीं, मिल सकते हैं। कैसी हो सविता? मैं ठीक हूँ। बक्तावर भाई, मुझे माफ कर दो। बक्तावर भाई, मुझे माफ कर दो। बक्तावर भाई, मुझे छोड़ दो। बक्तावर भाई, मुझे माफ कर दो। मुझसे गलती हो गई, आज के बाद ऐसा नहीं होगा। बक्तावर भाई, मुझे माफ कर दो। बक्तावर, गलती की माफी नहीं, सजा देता है, सजा है मौत। पकड़ो इसे, साले ने हमारी फोटो खींच ली। अरे रुक, अरे अगर साला रिपोर्टर बच गया ना तो हमारा बॉस हमें छोड़ेगा नहीं। साला इधर ही गया होगा। अरे तू इधर जा, अरे तू इधर जा, तू इधर जा। बॉस
वो हमें चकमा दे के भाग गया। हराम जादो, एक आदमी को नहीं पकड़ पाए, क्या तुम नहीं जानते उसके कैमरे की फुटेज हमारे लिए मौत का फंदा है, उसकी जिंदगी हमारे लिए मौत है। कहाँ रहता है वो बताओ। बॉस, मैं जानता हूँ वो कहाँ मिलेगा। पत्रकार, ये तूने अच्छा नहीं किया। आज मैं तेरी जिंदगी की स्टाम्प पे मौत की मोहर लगा दूंगा। सविता, अरे सविता। हाँ जी। बच्चे कहाँ हैं? शिवम तो अनवर के साथ गया है और अजय ऊपर है। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई अंदर आने की? पत्रकार, वो कैमरा हमारे हवाले कर दे। ये सबूत तो मैं तुझे नहीं दूंगा। तूने जो शहर में आतंक मचा रखा है, उस फोटो का अखबार में छपना बहुत जरूरी है, ताकि तू फांसी के फंदे पे झूल जाए, तभी ये शहर चैन की सांस लेगा। बख्तावर कोई गली का आवारा कुत्ता नहीं जिसे तू पकड़ के पिंजरे में बंद कर दे। ये तो तुझे कल तेरी तस्वीर अखबार में छपने पे पता चलेगा। बख्तावर वो शेर है जिसकी दहाड़ से बड़े बड़ों के पेशाब निकल जाते हैं, और तुझे जरा भी खौफ नहीं। तेरी हिम्मत की दाद देनी होगी पत्रकार। पत्रकार, तुझे बहुत फोटो खींचने की शौक है ना, आज तुझे और तेरी बीबी को इतना टुकड़े करूंगा कि आज तक किसी मछुआरे ने किसी मछली की टुकड़े नहीं किया होगा। अरे मेरी रानी, खड़ी हो जा। नहीं, छोड़ मुझे, कुत्ते, छोड़ मुझे, छोड़। इन्हें छोड़ दे हरामखोर। पकड़ो इस हरामजादे को, मैं अपना जुगाड़ करके आता हूँ। नहीं भाई, मुझे कुछ जाना। इनके रहते हुए इस परिवार का कोई माल भी बाका नहीं कर सकता। थे ना हम, तू बचाएगा तो ले बच, तू बचाएगा। हरामजादे, तेरी करतूत मैं पुलिस को बता दूंगी, तुझे फांसी पर चढ़वा दूंगी। हरामजादी, तू कुछ बताने लायक बचेगी तब ना। हरामजादे को भाई भागिए, हमें मार डालेंगे।
चुप चुप चलने में क्या राज है। बोस बोस, हमने उन बच्चों को मारकर नहर में फेंक दिया। चलो अच्छा हुआ, सांप भी मर गया और सपोले भी मर गए। शिवम, अब इस दुनिया में हमारा कोई नहीं रहा। अब हम इस दुनिया में कहाँ जाएंगे? हम दोनों अब एक दूसरे का सहारा बनेंगे। लुंडे, मेरा बैग मुझे वापस दे दे। तू जानता नहीं हम सिंघानिया के आदमी हैं। अगर सिंघानिया को पता चल गया तूने सिंघानिया के आदमियों से पंगा लिया है तो वो तेरे टुकड़े टुकड़े करके कुत्तों को खिला देगा। लुंडे, बहुत बड़ी गलती की तूने। कौन साला सिंघानिया? मैं किसी सिंघानिया को नहीं जानता। यहाँ के बादशाह हम हैं हम। उसकी मर्दानगी का अंदाजा इसी बात से लगाया जा सकता है कि उसने तुम जैसे नामर्दों की फौज पाल रखी है। बहुत बोलता है तू। कर्सा लग जाता है आतंक जमाने में और तुम सिंघानिया का नाम एक ही पल में मिट्टी में मिलाई आए। कुत्ते की तरह मार खाकर मेरे सामने मुंह लटकाए खड़े हो। शर्म के मारे डूब ना मरे कहीं पे। यहाँ आने से अच्छा होता कहीं डूब के मर जाते, तब मुझे ज्यादा खुशी होती। सिंघानिया साहब वो होश, जो शख्स सिंघानिया जैसे पहाड़ को रेत का जर्रा समझ कर इतना सब कुछ कर गया और इतना सब कुछ बोल गया, वो कोई मामूली इंसान नहीं हो सकता। उसे तो सिंघानिया के साथ होना चाहिए। सिंघानिया साहब, वो आदमी बहुत ही खतरनाक है। वो हद से भी ज्यादा ताकतवर और चीते से भी ज्यादा फुर्तीला है। 10 कुत्ते पालने से बेहतर है एक शेर पाल लो। जाओ उससे हमारी मीटिंग फिक्स कराओ। सिंघानिया ऐसे जाबाजों की कदर करता है। सिंघानिया साहब, ये बुड़बकों से नहीं ना होगा ये काम। उस बुड़बक को हम लाते हैं ना। पहलवान और खान, तुम भी इनके साथ जाओ। चलिए, बताएंगे नहीं का। बुरा बुरा
यही है बिहारी बाबू जिसने मैं कुत्ते की तरह मारा था, नहीं छोड़ने का मैं इसे। बुड़बक है का, बुड़बक है का? इतना पिटने के बाद भी नहीं ना मानोगे? सारे फेस का जोरा भी खराब कर लिए हो फिर भी नहीं ना मानोगे? चलिए सारी बोलिए, चलिए सारी बोलिए। सॉरी। देखिए भैया गुस्सा नहीं दिखाइए, हम लड़ने नहीं ना आए हैं, उस सिंघानिया आपको बुलाए हैं ना, बुलाने आए हैं, इज्जत से लेके जाएंगे भाई। क्यों, तुम्हारा सिंघानिया कोई मिनिस्टर है, उसे मिलना है तो खुद मेरे पास आए। कैसी बात करते हो भाई, वो इतने बड़े आदमी है, वो यहाँ तुमसे थोड़े ही ना मिलने आएंगे। बड़ा होगा अपने घर का, जाओ यहाँ से। चलो भाई, आपको बुलाया सिंघानिया साहब ने। जाते हो या टेलर की जगह पिक्चर का दी एंड कर दूं? नहीं ना समझोगे, खुश नसीब है आप जो सिंघानिया आपको बुला रहा, वरना सिंघानिया किसी को नहीं बुलाता। चलो। मुझे मेरी मंजिल इन्हीं लोगों के साथ मिल सकती है, मुझे चलना चाहिए। सुनो, मैं भी तुम लोगों के साथ चलता हूं। वेलकम। वेलकम वेलकम वेलकम, वेरी स्मार्ट सिंघानिया, तुम जैसे बहादुरों की कदर करता है। बहुत खूब सिंघानिया, तुम्हारे स्टाइल का फैन हो गया। आदतें बुरी नहीं, शौक ऊंचे हैं हमारे, वरना किसी ख्वाब की इतनी औकात नहीं कि हम देखें और वो पूरा ना हो। आज से तुम हमारे लिए काम करोगे, काम तुम्हें समझा दिया जाएगा। काम अनाड़ियों को सिखाया जाता है, गुज्जर आंखें देखकर दिल का हाल समझ लेता है। आओ मेरे शेर, गले लग जा। गुज्जर तुम भी कब सुधरोगे? गुज्जर हमेशा दो घोड़ों की सवारी करता है, अगर एक घोड़ा लंगड़ा हो जाए तो दूसरे पे दाव खेलता है। चला। Thank you.
देंगे, ये लड़की हमारे हवाले कर दे। अरे गुंडे भाई, लड़की घबराई हुई है, परेशान है, हैरान है, पहले बेचारी को आराम तो करने दो। हाँ तो अब बताओ, इस लड़की का पीछा तुम क्यों कर रहे थे? वरना इस बेसहारा लड़की को मैं तुम्हारे हवाले नहीं करूंगा। अपने आप को साउथ का हीरो मत समझ, चुपचाप लड़की हमारे हवाले कर दे। इस लड़की को तो मैं बचा लूंगा, पर अफसोस तुम्हें मुझसे कौन बचाएगा? उठा ले इस हरामजादी को। शिवम के रहते उसके भाई अनवर का कोई बाल भी बाका नहीं कर सकता। कौन थे ये लोग और तुम्हें क्यों मारना चाहते थे? मेरा नाम जेबा है, मैं एक अनाथ लड़की हूँ। मेरे मामा पैसे लेकर एक बूढ़े के साथ मेरी शादी कराना चाहते हैं, इसलिए मैं घर से भाग आई। ये मेरे मामा के गुंडे थे, आप लोगों ने मेरी जान बचाई, ये एहसान मैं जिंदगी भर तक नहीं भूलूंगी। अरे इसमें एहसान की क्या बात, ये तो हमारा फर्ज था। अरे हम भी अनाथ और तुम भी अनाथ, क्या तुम हमारे साथ हमारे घर चल सकती हो? नहीं, मैं आप लोगों को और मुसीबत में नहीं डालना चाहती। और खुद अकेले मुसीबत में रह के इतनी बड़ी दुनिया में कहाँ जाओगी? खूब जमेगा रंग जब मिल बैठेंगे तीन अनाथ, अनवर, जेबा और शिवम। कैसी हो? काफी दिनों के बाद कॉलेज आई हो, कोई प्रॉब्लम थी? अरे नहीं यार, कोई प्रॉब्लम नहीं। पता है एक खुशी की बात है कि मेरा भाई है ना पुलिस इंस्पेक्टर बन गया है। क्यों, पुलिस इंस्पेक्टर? हाँ, और सबसे बड़ी बात ये है कि इसी शहर में उसकी पोस्टिंग है। अच्छा, तो पार्टी शार्टी कब दे रही हो? अरे दे दूंगी। ठीक है, बाय बाय बाय।
भाई जान। यो माय लव, माय लव, जाने जा यो माय लव, माइंड ब्लोइंग, आई एम कॉलर, यो माय लव, माय लव। शायद तुम मुझे जानते नहीं हो, अगर मेरे भाई को पता चल गया ना तो ये रोमांटिक गीत छोड़कर मुकेश जी के दर्द भरे नगमे गाने शुरू कर दोगे, समझे? शायद तुम मुझे नहीं जानती, मैं रॉकी हूँ, रॉकी राजेश्वर का बेटा। आज तक किसी लड़की की हिम्मत नहीं हुई कि मुझे मना कर सके। जुम्मे की रात है, चुम्मे की बात है, अल्लाह बचाए मुझे तेरे वार से। पंगा लोगे? शुक्रिया दोस्त, आपने हमारी हेल्प की। ये तो मेरा कर्तव्य था दोस्त। अच्छा चलता हूँ। चलो सोनिया। जो मुझ पे खुमार आया है, दिल में तेरे लिए प्यार आया है, सामने तू जो यार आया है, तुझ पे प्यार बेशुमार आया है। तेरे चूम के हमदम, रूह में तेरी बस जाऊं, तन के मोम में तुझ पे जाना, धीरे धीरे पिघल जाऊं, कतरा कतरा पास में आके जिस्म में तेरे उतर जाऊं,
ये जो मुझ पे खुमार आया है, दिल में तेरे लिए प्यार आया है, सामने तू जो यार आया है, तुझ पे प्यार बेशुमार आया है। के तुझे मैं ओ जाने जाना, जिस्म से तेरे लिपट जाऊं, बाहों में भर के मेरे दिल पर तेरा बस मैं हो जाऊं मैं तुझ में जाना, तेरा बस तेरा हो जाऊं, ये जो मुझ पे खुमार आया है, दिल में तेरे लिए प्यार आया है, सामने तू जो यार आया है, तुझ पे प्यार बेशुमार आया। इस शहर में किसकी इतनी हिम्मत जिसने राजेश्वर के बेटे का यह हल किया। पिताजी कॉलेज में एक लड़की है। अबे बकवास बंद कर। अरे तू शेर का बेटा है, और सुन शेर शेर होता है छोटा हो या बड़ा। लेकिन पिताजी वो, चला जा मेरी नजरों से दूर, और दुश्मन को मौत के घाट उतारने के बाद मुझे अपनी शक्ल दिखाना, नहीं तो अपनी शक्ल मुझे मत दिखाना। सिंघानिया साहब काहे इतनी टेंशन ले रहे हैं? उस हरामजादे राजेश्वर के बेटे की इतनी हिम्मत कि वो सिंघानिया की बेटी के ऊपर बुरी नजर डाले। शायद वो भूल गया है कि सिंघानिया के गुस्से की चिंगारी उसके खानदान को जलाकर राख कर देगी। क्या सिंघानिया साहब, आपके कोई बेटी भी है? आपने कभी बताया तो नहीं? हाँ गुज्जर, राजेश्वर के बेटे ने जिसके साथ बदतमीजी की वो मेरी बेटी सोनिया है, और इंस्पेक्टर केपी सिंह मेरा बेटा है। सिंघानिया साहब, आपके साथ उन्हें पहले कभी नहीं देखा? दोनों भाई बहन बहुत खुददार हैं, उन्हें मेरा काम पसंद नहीं, मगर रॉकी को मरना होगा ताकि शहर के लोग जान जाएं कि भले ही सिंघानिया के बच्चे उससे दूर रहते हों, लेकिन उसके बच्चों की परछाई पर पैर रखने वालों को भी सिंघानिया सिर्फ मौत देता है। ठीक है सिंघानिया साहब, उसकी लाश एक घंटे के अंदर तोहफे के रूप में राजेश्वर को भेज दी जाएगी। जेबा, बहुत अच्छी चाय बनाई है। चाय वाकई अच्छी बनी है। साहब, ये री मेरी भांजी, और इन लोगों ने इसको कैद करके रखा है इसको। इंस्पेक्टर साहब, ये झूठ बोल रहे हैं। चुप कर, जुबान लड़ाती है, मामा को पागल बनाती है। इंस्पेक्टर साहब, मैं मामा के साथ में नहीं जाना चाहती, ये मुझे बेच रहा था। क्या बकती है, अरे मैं तुझे बेच नहीं रहा था, मैं तेरी शादी करा रहा था, और वो भी एक रईस जादे से। शादी करा रहे थे और वो भी एक 50 साल के बूढ़े के साथ, इसीलिए मैं घर से भाग आई। अरे चुप कर,
मैं तुझे जीवन की सब सुख सुविधाएं दिला रहा था। चल बेटी, अब घर चल, चल ना। ऐ चल ना। इंस्पेक्टर साहब, मैं बालिग हूँ और इन लोगों के साथ मैं अपनी मर्जी से रहती हूँ। अरे बेटी, मेरी बात तो सुन, सुन ना, मेरी बात तो सुन। चुप कर ओए, शर्म नहीं आई ऐसा काम करते हुए? साहब मेरी बात तो सुनो। खामोश, चुपचाप यहाँ से चला जा वरना हवालात में डाल दूंगा। ठीक है साहब, मेरा काम तो जाने का, चला जाता हूँ साहब। मैंने आपको तकलीफ दी, इसके लिए माफी चाहता हूँ। शुक्रिया इंस्पेक्टर साहब। मेरा दिल भी तुझे बेफिदा हो गया, मेरा दिल भी तुझे बेफिदा हो गया। संभालो मुझे, हाय ये क्या हुआ, हाय ये क्या हुआ। मेरा दिल भी तुझे बेफिदा हो गया, मेरा दिल भी तुझे बेफिदा हो गया। मुस्कुरा दे अगर तू तो कलियां खिले, गुनगुना दे अगर तू तो साज बजे। मुस्कुरा दे अगर तू तो कलियां खिले, गुनगुना दे अगर तू तो साज बजे। तेरी इन अदाओं ने पागल किया, संभालो मुझे, हाय ये क्या हुआ, हाय ये क्या हुआ। मेरा दिल भी तुझी तफदा हो गया, मेरा दिल भी तुझी बेफिदा हो गया। हम सफर तू रहेगा मेरा सदा, तू करेगा जफाया करेगा वफा। दिल ने माना है ये हाथ मेरा हुआ, संभालो मुझे, ये क्या हुआ, हाय ये क्या हुआ। मेरा दिल भी तुझे बेफिदा हो गया, मेरा दिल भी तुझे बेफिदा हो गया। संभालो मुझे, हाय ये क्या हुआ, हाय ये क्या हुआ। मेरा दिल भी तुझे बेफिदा हो गया, मेरा दिल भी तुझे बेफिदा हो गया। जब तक मैं सोनिया को सबक नहीं सिखा देता, मुझे चैन नहीं मिलेगा। मैं उसका वो हल करूंगा कि वो किसी को अपनी शक्ल दिखाने के लायक नहीं रहेगी। उसे सबक सिखाने के लिए जब तू जिंदा बचेगा तब ना। तू यहां मरने आया है, मारो साले को। Oh, 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 oh
यकीन नहीं होता, क्या शिवम ये सब कर सकता है? अनवर, कुछ बताते क्यों नहीं? मैंने कभी सोचा भी नहीं था मेरा भाई शिवम ऐसा कर सकता है। अस्सलाम वालेकुम। क्या हुआ भाई, ऐसी खामोशी क्यों छाई हुई है मेरे भाई? अरे कोई कुछ बताएगा भी? ये हमसे पूछता है, अपने आप से पूछ। अरे मैं कुछ समझ नहीं पाया अनवर। अनजान बनने की कोशिश मत कर शिवम, आज तेरा ये रूप देखकर मैं हैरान रह गया। हैरान रह गया मेरा रूप देखकर? मैं कुछ समझ नहीं पाया मेरे भाई। अरे समझ तो मैं नहीं पाया, बचपन से मेरे साथ रहने वाला, जिसे मैंने अपने भाई से ज्यादा प्यार किया, वो इतना बेदर्द हत्यारा हो सकता है? क्या बेदर्द हत्यारा? ये तू क्या कह रहा है, तू होश में तो है? होश तो आज आया है, जब तुझे इतनी बेदर्दी से अपनी आंखों से कत्ल करते हुए देखा। और मैं एक कातिल से कोई वास्ता नहीं रखना चाहता। तू होश में तो है, ये तू क्या कह रहा है? मैं ये घर छोड़कर जा रहा हूँ। चलो जेबा, हम यहाँ एक पल भी नहीं रुकेंगे। रुक जा मेरे भाई। शिवम, अब इस दुनिया में हमारा कोई नहीं रहा। अब हम इस दुनिया में कहाँ जाएंगे? हम दोनों अब एक दूसरे का सहारा बनेंगे। आपको कुछ कहना है इस बारे में? मैं कुछ नहीं कहना चाहता, आप लोग जा सकते हो, चलो जाओ। राजेश्वर जी, कानून को अपना काम करने दो। मैंने कहा ना, मुझे कोई कानूनी कार्रवाई नहीं चाहिए, आप जा सकते हैं। कौन है वो हरामजादा जिसने मेरे बेटे को मौत की नींद सुला दिया? शहर का चप्पा चप्पा छान मारो और पता करो वो हरामजादा मुझे कहां मिलेगा। और एक बात याद रखना, अगर वो हरामजादा नहीं मिला तो मैं तुम लोगों को मौत की नींद सुलाऊंगा। तुझे इस हालत में पहुंचाने वाले का मैं वो हाल करूंगा कि उसकी सात नस्लें मां के पेट में आने के बाद राजेश्वर का नाम सुन के वहीं दम तोड़ देंगे। राजेश्वर साहब, वो आदमी सिंघानिया का है और ये काम भी सिंघानिया का है। जिस लड़के के कारण रोकी हमारे बीच में नहीं, वो कोई और नहीं, सिंघानिया की बेटी सोनिया है। कहाँ मिलेगी सिंघानिया की बेटी, बोल। बॉस, मैं जानता हूँ सिंघानिया की बेटी किस कॉलेज में पढ़ती है। खून के आंसू रुलाऊंगा, खून के आंसू। जान से मार डालो सिंघानिया की बेटी को। कौन है कुत्ते? मैं वो शेरू राजेश्वर जिसने तेरे बेटे को मारा है, अब तू भी मरेगा। अब देख कौन मरता है। सोचना समझना ऊपर वाले का काम है राजेश्वर,
यहाँ तो सिर्फ एक ही बात समझ में आती है, वो है तेरी मौत। आ गए सब। बैठ जाओ। हाँ साइन कर दीजिए सर। क्या बोला वो इंजीनियर? मान गया। हाँ भाई अपनी जान तो सबको प्यारी होती है। हाँ क्या बोला वो भूरा? मिलता हूँ सर उससे। पैसा देगा कि नहीं देगा? अरे सिर्फ पैसा बांटना ही नहीं है, वापस वसूल भी करना है। थैंक यू सर। कम ऑन बेबी। बॉस साहब, वो सिंघानिया का आदमी है। आजकल वो सिंघानिया की आंखों का तारा बना हुआ है। डोंडे, ऐसी मौत मारूंगा तुझे के सपने में भी नहीं सोचा होगा। तड़पा तड़पा के मारूंगा। बहुत बड़ी गलती की है तूने चौधरी के भाई और भतीजे को मारकर। बता करो कहां मिलेगा वो लोंडा? बॉस आप कहें तो हम इसे खत्म कर दें। नहीं, जितना कहा जा रहा है उतना करो। उसने चौधरी के परिवार को मारा है, मैं अपने इन हाथों से उसके पूरे खानदान को तबाह कर दूंगा। हाँ मेरे निकलने की तैयारी करो। कुत्ते, मैं चाहूं तो तुझे अभी मार सकता हूं, लेकिन मैं ऐसा करूंगा नहीं। कौन है बे तू? हरामखोर, मेरे भाई और भतीजे को मारकर तूने अच्छा नहीं किया। मरना तो तुझे है। ऐसी भयानक मौत मारूंगा मैं तुझे कि मौत की रूह भी कांप उठेगी। मैं बंदूक और आप दोनों चलाना जानता हूँ, तू तय कर ले तुझे कौन सी धुन पर नचाऊं। चौधरी वो शेर है जिसकी गुफा में लोगों के आने के पैरों के निशान है, लेकिन जाने के नहीं। पर तू तो एक मामूली सा कीड़ा है, तेरी क्या औकात कि तू हमारे सामने टिक सके? औकात की बात मत कर चौधरी, लोग तेरी बंदूक से ज्यादा गुज्जर के नाम से डरते हैं। ए, कोई बीच में नहीं आएगा, इस कुत्ते के लिए तो मैं अकेले ही काफी हूँ। लगाओ फोन इसके बाप सिंघानिया को। सिंघानिया, तेरा कुत्ता यहाँ मेरे पैरों में पड़ा है, इसकी जान की हिफाजत चाहता है तो मुझसे आकर मिल। तुम्हारा शेर कैसे बकरे की तरह कटने के लिए पड़ा है। चौधरी, मैं यहाँ तुझसे लड़ने नहीं, तुझे समझाने आया हूँ। तेरे भतीजे ने मेरी बेटी के साथ बदतमीजी की, इसीलिए उसको इसकी सजा मिली। और तेरे भाई ने मेरे परिवार की तरफ आंख उठाकर देखा, इसलिए वो दुनिया से उठ गया। खैर, जो हुआ उसे भूल जाओ। भूल जाओ।
सिंघानिया, राजेश्वर को मारकर तूने अपनी मौत लिखी है। आज मैं तुझे मारकर तेरे पूरे गैंग को खत्म कर दूंगा। चौधरी, तू शेर को घायल करके ये भूल गया कि घायल शेर ज्यादा खतरनाक होता है। ये अभी दहाड़ेगा, ये अभी उठेगा और तेरी हस्ती को बर्बाद कर देगा। उठ मेरे शेर, उठ उठ, दिखा दे अपनी ताकत, उठ। हे लौंडे, जाऊ ना तो मैं तुझे अभी चींटी की तरह मसल दूं। पता नहीं कौन सी गंदी नाली का कीड़ा है तू, हराम ज्यादा। ना तो तेरी माँ का पता है, ना तेरे बाप का कुछ पता है, हराम ज्यादा है तू। बहुत गुरूर है ना तुझे अपने ऊपर। मेरे पैरों पे सर रखकर अपनी जिंदगी की भीख मांग, ये चौधरी तुझे माफ कर देगा। देख तेरे शेर की क्या हालत हो गई है। क्यों चौधरी, बस थक गया? देख सिंघानिया, देख तेरे शेर का क्या हाल हुआ है। कॉम्प्रोमाइज, अब होगी सीधी मौत से स्पाइस। तुझे बुरा कहने वाले को मैं ऐसी मौत देता हूं तो सोच जिसने तेरे साथ बुरा किया होगा उसका अंजाम क्या होगा। अपना तो एक ही उसूल है, खून के बदले खून, इज्जत के बदले इज्जत और दहशत के बदले दहशत। तुम्हारा भगवान तो गया, अगर मैं चाहूं तो
तो तुम्हें भी इसके पास भेज सकता हूँ। या तो अपना हथियार डाल दो या मरने के लिए तैयार हो जाओ। मर गया। कहा था ना चौधरी, खूंखार शेर की दहाड़ धड़कन बंद कर देती है। जरा सामने तो आओ छलिए, चुप चुप छलने में क्या राज है, मेरा सुना पड़ा रे परमात्मा, मेरी आत्मा की ये आवाज है। मर गया, चलो पड़े चलो। आओ मेरे शेर, आज तुमने सिंघानिया को खरीद लिया है। हमारे दुश्मन को मौत के घाट उतारकर तुमने हमारा दिल जीत लिया है। आ गले लग जा। सिंघानिया साहब, हम घोड़ों के ट्रिगर पर नहीं खुद के जिगर पर जीते हैं। हथियार तो हम सिर्फ शौक के लिए रखते हैं, दहशत फैलाने के लिए गुज्जर का नाम ही काफी है। और हाँ सिंघानिया साहब, आपके परिवार पर अगर किसी ने आग उठाने की जरूरत की तो गुज्जर उसका धड़सड़ से अलग कर देगा। मैं हमेशा तुम्हारी आंखों में एक हैवानियत सी देखता हूँ। क्या बात है, कोई परेशानी है तो बताओ। परेशानी नहीं सिंघानिया साहब, तलाश है एक ऐसे वैश्य दरिंदे की जिसको मैं पिछले 14 साल से ढूंढ रहा हूँ। उसने मेरी और मेरे परिवार की जिंदगी बर्बाद करके रख दी। कौन है वो बताओ हमें, हम उसकी नस्लों को बर्बाद करके रख देंगे। नहीं सिंघानिया साहब, उसे तो मैं अपने हाथों से मारूंगा। जिस दिन उसका पता चल गया, समझो वो इस दुनिया से उठ गया। आओ बैठो। शिवम, तुमने मुझे मार खाता देख अपना आपा ही खो दिया और उसको जान से ही मार डाला। लेकिन तुमसे है ना मुझे एक शिकायत है कि उस हालत में तुम मुझे अकेला छोड़कर वहां से चले गए। मुझे ऐसे क्यों देख रहे हो, मुझे कुछ अजीब सा लग रहा है। नहीं ऐसा कुछ नहीं है, कहीं घूमने चले। पागल हो गया हूँ। छोड़ दो मुझे, छोड़ दो,
छोड़ दो मुझे, जाने दो मुझे शिवा प्लीज। छोड़ दे इस लड़की को। कौन है बे? चला जा वरना बेमौत मारा जाएगा। अरे गम मर जाने का नहीं, तेरा ये शैतानी रूप देखकर अनवर खान तो पहले ही मर गया, लेकिन कसम अल्लाह पाक की आज ये मुर्दा भी तुझ पर बहुत भारी पड़ जाएगा। सुनना चाहती है तो सुन। क्या खता थी मेरी माँ की जिसको तेरे बाप ने बड़ी बेदर्दी से मारा? क्या खता थी मेरे बाप की उस मासूम को भी तेरे बाप ने किगाड़ उतार दिया? क्या खता थी रहीम चाचा की जिन्हें बेदर्दी से कत्ल कर दिया गया सिर्फ तेरे बाप की वजह से? मार डालूंगा सबको। अपना तो एक ही उसूल है, खून का बदला खून, इज्जत का बदला इज्जत, और दहशत के बदले दहशत। तुमने इंतकाम की आग में मेरा जीवन बर्बाद कर दिया। सिंघानिया, आज मैंने अपने इंतकाम की पहली किस्त वसूल कर ली है। तुम मेरे बाप सिंघानिया को जानते नहीं हो, तुम्हें छोड़ेगा नहीं वो। आप इस केस के बारे में कुछ बता सकते हैं? मैं बताता हूं इंस्पेक्टर साहब। अगर मेरे हाथ कानून से ना बंधे होते उस कुत्ते के मैं टुकड़े टुकड़े कर देता। तेरे हाथ कानून से बंधे हैं मेरे दोस्त, लेकिन मेरे नहीं। मैं सोनिया के कातिल को वो भयानक मौत दूंगा कि मौत की रूह भी कांप उठेगी। सर, डेथ बॉडी का क्या करना है? इसका पंचनामा करके पोस्टमार्टम के लिए भेज दो। ओके सर। Thank you.
सब क्या हो रहा है अनवर? तू तो मुझे अच्छी तरह जानता है मेरे भाई। जानता नहीं, अब जाना हूँ। तू दरिंदा कैसे बन गया? अफसोस होता है मुझे, बचपन से आज दिन में सांप पाल रखा था मैंने। क्या बक रहा है तू? भला मैं किसी को क्यों मारूंगा? मैंने किसी को नहीं मारा, मैं इस कत्ल का चश्मदीद गवाह हूँ। मासूम बनने की कोशिश मत कर, अगर मेरे जिस्म पर ये वर्दी ना होती तो यही चीर फाड़ देता। इससे पहले मैं अपना फर्ज भूल जाऊं और एक भाई का फर्ज निभाने पर मजबूर हो जाऊं, चल मेरे साथ। क्या सोनिया मर गई? अरे तूने ही तो मारा है उसे। मगर मैं उसे क्यों मारूंगा मेरे भाई, मैं तो उससे बहुत प्यार करता हूँ। नाम मत ले उसका हरामजादे, वरना तुझे अभी जमीन में जिंदा गाड़ दूंगा। अपने हथियार फेंक दे, नहीं तो इसकी खोपड़ी उड़ा दूंगा। अंदर ये हैवानियत छोड़ दे शिवम। चल चल अंदर। कहां तक भागेगा तू, कब तक भागेगा? कोई अपनी जगह से नहीं हिलेगा। ये तो सही नहीं कर रहा है शिवम। छोड़ूंगा नहीं तुझे। कहाँ गया साला? चलो। शुक्रिया मेरे दोस्त। शुक्रिया? किस बात का शुक्रिया? तुमने पुलिस से मेरी जान बचाई, वरना ये पुलिस मुझे मार डालती। मैंने पुलिस से तुझे बचाकर तुझ पे कोई एहसान नहीं किया, बल्कि मैं पुलिस का शुक्रिया अदा करूंगा। लेकिन तुझे मारने के बाद मैं कुछ समझा नहीं मेरे भाई। समझाने का वक्त तो क्या, बहुत दिनों से तुझे तलाश रहा था, आज तू मेरे हाथ लगा है। बहुत आतंक मचा चुका है तू, खुदा की कसम आज तेरा ये आतंक मैं खत्म कर दूंगा। गुज्जर, गुज्जर मैं कुछ समझा नहीं मेरे दोस्त। मैं गुज्जर नहीं, शिवम हूं। शिवम रामखोर, मौत को अपने सामने देखकर झूठ बोलता है? अरे दुनिया जानती है, जब मौत सामने होती है ना तो हर कोई अपना रंग क्रिकेट की तरह बदलता है। यह हैदर तुझे कैसे भूल सकता है? अरे तूने मेरे मासूम भाई को मारा है, मैं तुझे आज मारकर अपने इंतकाम की आग बुझाऊंगा। मैं गुज्जर नहीं, शिवम हूं मेरे दोस्त। मैं गुज्जर नहीं, शिवम हूं मेरे भाई। मैं गुज्जर नहीं, मेरी बात तो सुन। मेरी बात सुन, मैं गुज्जर नहीं, मैं शिवम हूँ मेरे दोस्त। गुज्जर है, बोल बोल तो गुज्जर है। मैं गुज्जर नहीं, शिवम हूँ। शिवम हूँ, मेरा यकीन क्यों नहीं करते? मैं शिवम हूँ, शिवम हूँ मैं, शिवम हूँ मैं। कोई मेरा यकीन नहीं करता, शिवम हूँ मैं, शिवम हूँ मैं। गुजर नहीं हूँ, मैं नहीं जानता कौन गुजर है। मैं शिवम हूँ, शिवम हूँ मैं, 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 शिवम हूँ मैं। गुजर नहीं, शिवम हूँ। अगर तुझे अब भी यकीन नहीं तो ये ले भाई, उतार दे इसका सारा लोहा मेरे जिस्म में, मार डाल मेरे भाई, मुझे मार डाल। मगर एक बात का ध्यान रख, तू एक सच्चा मुसलमान है ना? और एक सच्चा मुसलमान
किसी बेगुनाह की जान नहीं ले सकता। अल्लाहु अकबर अल्लाहु अकबर अशहदु अन ला أشهد أن لا إله إلا الله خبردار تم چاروں طرف سے گھر چکے ہو ہینڈ اپ کوئی ہوشیاری کی تو تم دونوں پہ موت مارے جاؤ گے ये मुझे मार डालेंगे भाई, ये मुझे मार डालेंगे। जब तक मैं अपने आप को बेगुनाह साबित ना कर दूं, मैं मरना नहीं चाहता भाई। नहीं, तू नहीं मरेगा, मैं तुझे बचाऊंगा। और अगर तुझे बचाते बचाते मैं मर जाऊं तो तू बदला लेना, मेरे मासूम भाई का बदला लेना, आतंक का खात्मा करना। मैं तुझे बचाऊंगा। चलो भाई, मैं तुझे बचाऊंगा। चलिए डर, खबरदार अगर कोई हिला तो मैं एसएसपी को उड़ा दूंगा। हिला मत, भाग शिवम, भाग शिवम, भाग। मैं मरूंगा तो मरूंगा, लेकिन एसएसपी साहब मैं आपको नहीं छोड़ूंगा, मार दूंगा। कोई गोली नहीं चलाएगा इस मुजरिम को भगाकर। बहुत बड़ी गलती कर रहा है तू। नहीं, मैं एक बेगुनाह को बचा रहा हूं। बेगुनाह नहीं है वो, मुजरिम है। मुजरिम नहीं, वो मुजरिम नहीं है। शूट हिम। भाग। तूने गुनाहगार के लिए अपनी जान दे दी? नहीं एसएसपी साहब, गुनेगार तुम्हारा ये पूरा सिस्टम है। मैंने तो एक सच्चे मुसलमान का हक निभाया। तुझे मिला क्या मौत? ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूल अल्लाह। क्या बात है गुजर, आज बहुत खुश नजर आ रहे हो। लगता है तुमने अपना इंतकाम ले लिया। आज मेरी बरसों की तलाश पूरी हो गई है। आज मैंने अपने इंतकाम की पहली किस्त वसूल कर ली है। अपने दुश्मन की बेटी का बलात्कार कर उसे जान से मार कर आ रहा हूँ। ये तुमने बहुत अच्छा किया। बताओ उसके खानदान के बारे में, कौन है वो? आगे का सफाया हम करेंगे। नाम नहीं पूछोगे उसका? जरूर, सोनिया। राम और मेरी बेटी को तूने मार डाला? मारा ही नहीं, पहले बलात्कार किया, फिर तड़पा तड़पा के मार डाला। खूब चीखी, खूब चिल्लाई, पापा बचा लो, मगर मुझे इतना सा भी रहम नहीं आया। ठीक उसी तरह जिस तरह तुझे रहम नहीं आया था जब तूने मेरी माँ के साथ बलात्कार किया था। क्या बकवास करता है? क्यों सुन के शॉट लगाना बख्तावर? बख्तावर कौन है तू? मैं उस पत्रकार करण का बेटा हूँ जिसको तूने मौत के घाट उतारा था। मेरे मासूम से रहीम चाचा को तूने मार दिया था ना? मार डालो हरामखोर को।
गुज्जर अगर खामोश है तो उसे खामोश रहने दे, अगर गुज्जर दहाड़ पड़ा तो इतिहास लिखने के लिए ना तो कोई कागज बचेगा और ना ही पढ़ने के लिए कोई दुश्मन बचेगा। कौन? उतार देश की खोपड़ी में गोली, उतार दे। वक्त का रुख बदल गया है सिंघानिया, चढ़ते आफताब को ये दुनिया सलाम ठोकती है। यही खान भी इस दुनिया का हिस्सा है सिंघानिया। लो गुज्जर भाईजान, उतार दो सारा लोहा इसके जिस्म में, ये खान तुम्हारे साथ है भाईजान। हम भी पार्टी चेंज कर दिए हैं। जहाँ बिहारी और खान वहीं पहलवान। हाँ हाँ, हम सब गुज्जर भाई के साथ हैं। तेरे लिए सिंघानिया अकेला ही काफी है, मैं अपनी बेटी की मौत का बदला तुझसे अकेले ही लूंगा। कोई हमारे बीच में नहीं आएगा। अपना तो एक ही उसूल है, खून का बदला खून, इज्जत का बदला इज्जत और दहशत के बदले दहशत। हुकूमत वो ही करता है जिसके सीने में जिगर होता है। नो वार्निंग नो थ्रेट, गुज्जर इज द ग्रेट। अब होगा गुज्जर का आतंक। जलवे यहाँ पे
के ना छू यहाँ पे। सारे दीवाने देखे हो चंदा तुझसे ही आके सेके हो चंदा तेरा चंदर तेरे खातिर हो गया अंदर जो प्यार से मुझे तू गले लगा ले कहां से लाऊं वो मंत्र है बन गया मैं तेरा दीवाना समझ ले बात को जाने जाना मैं ना हूँ चीज ऐसी समझो ना मुझको वैसी मेरे राजा तू आजा तुझे नाच दिखाऊं देसी चंदा के बाबूजी हाथ जरा फिर से लगाना बिजली बदन मेरा देता है झटके चंदा तेरा हो जी तुम सारे बचके अरे क्यों के चंदा नाचेगी हाँ के चंदा नाचेगी नाचेगी सबकी जुबान पे है मेरा ही नाम आज निकालो मैं तेरी जान फिर देख मेरे नाम की कसमें खाए तू रहे न बस में धीरे से निकाल चीखे झटके मेरे लगेंगे तीखे चल मेरी जान तेरे न कर अब कमर झुका और राजा नीचे 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 चंदा के ठुमको पे नाचे है जमाना बाबूजी हाथ जरा धीरे से लगाना बिजली बदन मेरा देता है झटके चंदा तेरा हो जी तुम सारे बच्चे के अरे क्यों के चंदा तेरी हालत किसने की सरफिरे हमने तुम्हारे नाम का डंका तुम्हारे नाम की दहशत पूरे शहर में फैला दी है लेकिन एक गैंग ऐसा है जो आपकी दहशत नहीं मानता कौन है वो सुवर जल्दी बता सरफिरे उससे गुज्जर के नाम की जरा भी दहशत नहीं उसका नाम अन्ना है वो कर्नाटक से आया है वो पूरी यूपी में अपना सिक्का चलाना चाहता है उसने हमारे दोस्त खान और बिहारी को मार दिया है लगता है उसे दुनिया से जाने की कुछ ज्यादा ही जल्दी है आज उसका यह अरमान भी पूरा कर देते हैं उसके जनाजे पर कर्नाटक की मोहर लगाकर वापसी पार्सल कर देते हैं सरफिरे मेरी शडला
नाम सुना रे मैं तेरा। जिस तरह एक म्यान में दो तलवारें नहीं रह सकती, उसी तरह एक जंगल में दो शेर नहीं रह सकते। क्योंकि मैं हूं ना, रहता है 24 आवर चौकन्ना। चुपचाप अपना बोरिया बिस्तर समेट और कर्नाटक को दफा हो जा। बाल समझा क्या, हल्के में लेते मेरे को अन्ना, 24 आवर चौकन्ना। चल आज इस बात का फैसला हो जाए किसमें कितना दम है। अपने एरिया में तो कुत्ता भी शेर होता है। देख मैं कर्नाटक से तेरे एरिया में राज करने आया हूँ अपने कुछ लोगों के साथ। आ दिखा तेरे बाजुओं में कितना दम है। हम दोनों की लड़ाई में इन निर्दोषों को क्यों मरवाता है गुज्जर? अगर तू शेर है तो ये अन्ना भी शेर है। आज देखता हूं तेरे बाजुओं में कितनी ताकत है। चैलेंज कबूल करना तो मेरी फितरत में है। आ दिखा तेरे में कितना दम है। गुज्जर हमेशा अपनी ताकत से राज करता है। बोल अब तेरा क्या हश्र करूं? गुज्जर मैं ना जो रहता है 24 घंटे चौकन्ना। मैंने तेरे को बोला था ना मैं बचा तू मरेगा, तू बचा तो ये अन्ना मरेगा।
शेर की तरह जिया हूँ, शेर की तरह मरूंगा। तू जीता, मार दे मुझे। गुज्जर अभी तक इस दुनिया में अकेला था, उसे तेरे जैसे भाई, तेरे जैसे शेर और तेरे जैसे यार की जरूरत थी। उठ अन्ना, अपना हाथ दे। आज इस दुनिया में राज हम करेंगे मेरे भाई, हम करेंगे। मुझे यकीन नहीं होता कि शिवम ये सब कुछ कर सकता है। यकीन की बात मत करो जेबा, कत्ल करते उसे अपनी मैंने इन आंखों से देखा है। कभी कभी आंखों देखा और कानों सुना भी गलत हो सकता है। मैं नहीं जानता तुझे क्या गलत फहमी हुई है, जो तू मुझे कातिल, एक हत्यारा, यहाँ तक कि एक बलात्कारी भी समझ रहा है। मैं तेरी सफाई नहीं सुनना चाहता। तूने कत्ल किया है, इसकी सजा तुझे मिलनी ही चाहिए। मगर तेरी कसम अनवर, मैंने कोई कत्ल नहीं किया। बहुत दिन से तेरी तलाश थी हरामजादे, आज तुझे मौत के घाट उतार दूंगा। मगर ये मुझे किस जुर्म की सजा मिल रही है, जो गुना मैंने किया ही नहीं है इंस्पेक्टर साहब। ठीक कह रहा है ये। ये बेचारा तो एक मच्छर भी नहीं मार सकता, ये किसी का खून क्या करेगा? वो सब मैंने किया है, मैंने। जानना नहीं चाहते कौन हूं मैं? मैं हूं शिवम का भाई अजय, वो अजय जिसके बचपन में गोली लगी थी। कुदरत को मेरी जिंदगी प्यारी थी और तुम लोगों से मिलवाना भी, तभी मैंने शिवम को सिंघानिया की बेटी के साथ रंगलरिया मनाते हुए देखा। तभी मेरे शातिर दिमाग ने कहा कि किस तरह से सिंघानिया के खानदान का खात्मा किया जाए। तू मेरी शक्ल का फायदा उठाकर ऐसे घिनौने कामों को अंजाम देता रहा। गुनाह तो करता रहा और कसूरवार मैं शिवम को समझता रहा। इस गलती के लिए मैं तुझे कभी माफ नहीं करूंगा। मैं तेरी जान ले लूंगा कमीने, जब तक मैं तेरी जान न ले लूं उसकी आत्मा को शांति नहीं मिलेगी। और जब तक मैं तुझे ना मार दूं तो मेरी आत्मा को शांति नहीं मिलेगी। तुझ जैसे कमीने को भाई कहते हो मुझे शर्म आ रही है। तू इंसान नहीं, राक्षस है। राक्षस? हाँ, राक्षस हूं मैं, दरिंदा हूं मैं, खूनी और बलात्कारी भी हूं मैं। अगर मुझे यह सब बनाने वाला आज का सिंघानिया वही है जो कल का बख्तावर था। तुम भूल गए होंगे उस हादसे को, मगर मैं इंतकाम की आग में पल पल जलता रहा हूँ। मगर तुझ में और उस शैतान में क्या फर्क रह गया? भूल जाता उस अत्याचार को, चूड़ी पहन कर बैठ जाता। तुम्हारी मर्दानगी मर गई होगी लेकिन मेरी नहीं। तुम्हारी रगों का लहू जम चुका होगा, मेरी रगों में आज भी खून लावा बनकर बह रहा है। हरामजादे, तूने मेरी बहन की जिंदगी तबाह करके उसे मौत के घाट उतार दिया। इससे पहले मैं तुझे खत्म कर देता हूँ हरामजादे। होशियार बनने की कोशिश मत करना, इस लड़की को मारना मेरे लिए कोई बड़ी बात नहीं है। इधर आ, छोड़ दे जेबा को, वरना 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 किंतु वंतु परंतु कुछ नहीं। इंस्पेक्टर को लेते आना और इस लड़की को लेते जाना। जेबा को छोड़ दे। इंस्पेक्टर साहब, हम आपको उसके हवाले नहीं करेंगे, वो हमारा भाई नहीं, अब दरिंदा बन चुका है, दरिंदा। लेकिन अब हम क्या करें, जेबा उसके कब्जे में है। मार देंगे उसे। गुज्जर, हम इंस्पेक्टर को ले आए हैं, जेबा को हमारे हवाले कर दे। पहले इंस्पेक्टर को भेज, फिर इसे भेजता हूं। जाओ।
आजा इंस्पेक्टर, आजा, आ जाओ जेबा, घबराओ मत, हम आ गए हैं। जेबा तुम यहाँ हिफाजत। ठीक है अनवर। चलो। दुश्मन का साथ दे रहे हो? अरे इसके बाप ने हमारा आस्था खेलता परिवार उजाड़ दिया, हमारी माँ को मार डाला, हमारे बाप को मार डाला, यहाँ तक कि तेरे बाप, मेरे मासूम से रहीम चाचा को भी इसी के बाप ने मारा था। वो मौत का नंगा नाच मेरी नाखों ने देखा था मेरे भाई। इसका बदला मैंने इसके बाप को मारकर इसकी बहन को मार कर लिया, और अब तू बचा है, तुझे भी नहीं छोड़ूंगा। भाई मार डाली से, भाई मार डाली से। ये मेरी माँ का, मेरे बाप का, मेरे चाचा का कातिल है। बुराई को बुराई से नहीं मारा जा सकता मेरे भाई। अगर सब लोग तेरी तरह सोचने लगे तो इस दुनिया से अमन और इंसाफ को नामो निशान मिट जाएगा। अपने आप को कानून के हवाले करके अपने गुनाह कबूल कर ले, शायद अल्लाह ताला तुझे माफ कर दे। हेलो सालो, कैसी नामर्दों वाली बातें करते हो? जिसने ये सोचा मैं डर गया, वो साला जिंदा नहीं मुर्दा अपने घर गया। गुज्जर, गुज्जर नाम है मेरा, तभी तो इसकी माँ का पिछले 14 साल से मौत मेरे सर पे मंडरा रही है, मगर आज तक मेरा बाल भी नहीं उखाड़ पाई। और अब मौत को तुम सब कमीनों की लाश पे से गुजरना होगा। अरे एक हैवान के लिए हम जैसे मामूली आदमियों को मारना कोई बड़ी बात नहीं। अच्छा खासा अजय था मैं, गुज्जर बनाया इसके बाप ने, वरना मैं भी तुम लोगों की तरह चैन से जीना चाहता था, इस खुली हवा में सांस लेना चाहता था मेरे भाई। बचपन, बहुत मासूम सा बचपन था हम सब भाइयों का, इसके बाप ने हमारा बचपन खराब कर दिया। और तुम कहते हो इसे छोड़ दूं? छोड़ दे मेरे भाई, इसे छोड़ दे, ये गलती मत कर। अरे समझते क्यों नहीं हो तुम दोनों, जिसे तुम बचाने की कोशिश कर रहे हो वो हमारा दुश्मन है, दुश्मन। मैं तेरे जज्बात समझता हूँ, पर तू कानून का मुजरिम है, कानून का। अपने आप को कानून के हवाले कर दे। सिंघानिया के वंश को मिटाए बिना तो मैं चैन की सांस भी नहीं ले सकता। आज तो तू मेरे सामने खड़ा है, आज तो जिंदा वापस नहीं जा सकता। इसने तेरा पूरा परिवार खत्म कर दिया, कब तक कानून की दुहाई देता रहेगा? मैं आज ही इसको ऊपर भेज देता हूँ। इंस्पेक्टर, आज तू नहीं बच सकता मेरे हाथों से। छोड़ दे मेरे भाई, इसे छोड़ दे, ये गलती मत कर। छोड़ दे इसे, अल्लाह के वास्ते छोड़ दे इसे।
या अल्लाह, शेर के बाहों में अगर कांटा चुभ जाए तो इसका मतलब ये नहीं कि कुत्ते उसका शिकार कर लेंगे। कमीना ना देखी मैंने तुझसी हसीना, दिल मेरा ये इश्क कमीना ना देखी मैंने तुझसी हसीना, नजरों को मिला कर दिल को चुराना। कभी शाम ढले तो मेरे दिल में आ जाना, कभी चांद खिले तो मेरे दिल में आ जाना, कभी शाम फैले तो मेरे दिल में आ जाना, कभी चांद खिले तो मेरे दिल में आ जाना। पास मेरे आए बातें बातें करके तू दिल को चुराए, मेरे प्यार का भी अब तुझ पे असर है, मुझसे जो कहना है कह दे तू शर्माए। ओ मेरे सपनों की रानी मैं तेरा दीवाना, कभी शाम ढले तो मेरे दिल में आ जाना, कभी चांद खिले तो मेरे दिल में आ जाना, कभी शाम ढले तो मेरे दिल में आ जाना, कभी चांद खिले तो मेरे दिल में आ जाना। तेरी चाल है शराबी, मौसम है सुहाना ये लुत्फ है जवाबी, है बड़ा कातिल मुझसे बच के तू निकलना, होठों का चुरा लूं तेरे रंग में गुलाबी, आ जा मेरे पास तू कर ना बहाना। कभी शाम ढले तो मेरे दिल में आ जाना, कभी चांद खिले तो मेरे दिल में आ जाना, कभी शाम ढले तो मेरे दिल में आ जाना, कभी चांद खिले तो मेरे दिल में आ जाना। दिल मेरा ये इश्क कमीना ना देखी मैंने तुझसी हसीना, दिल मेरा ये इश्क कमीना ना देखी मैंने तुझसी हसीना, नजरों को मिला कर दिल को चुराना। कभी शाम ढले तो मेरे दिल में आ जाना, कभी चांद खिले तो मेरे दिल में आ जाना, कभी शाम
शाम ढले तो मेरे दिल में आ जाना, कभी चांद खिले तो मेरे दिल में आ जाना, कभी शाम ढले तो मेरे दिल में आ जाना, कभी चांद खिले तो मेरे दिल में आ जाना, कभी शाम ढले तो मेरे दिल में आ जाना, कभी चांद खिले तो मेरे दिल में।